क्या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को 2.5 लाख तक की फीस नहीं पे करना चाहते? अगर हाँ तो 22,500 रुपए में घर बैठ के StudyIQ के पेन ड्राइव कोर्स के साथ आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। आज ही विजिट करें studyiq.com। नमस्कार एंड वेलकम टू StudyIQ। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज PIB में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट अपडेट है ये कैबिनेट के साथ जुड़ी हुई है। देखिए कैबिनेट जो है ये गवर्नमेंट का आप हार्ट कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो यूनियन कैबिनेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हार्ट है और जो स्टेट लेवल की कैबिनेट है तो ये स्टेट गवर्नमेंट का हार्ट आप कह सकते हैं। हार्ट इसलिए, इसका दिल इसलिए है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो लीडर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो इस कैबिनेट की मीटिंग में पार्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूनियन कैबिनेट की बात करें तो इनमें है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इस कैबिनेट के हेड होते हैं, सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो है प्राइम मिनिस्टर। इसी कंटेक्स में अगर हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। जो चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ये पूरे देश के सबसे टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट होते हैं। जनरली स्पीकिंग ये IAS ऑफिसर ही होते हैं। अब कैबिनेट हार्ट इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें पार्ट लेते हैं और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि से फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल है तो इस बिल में कोई अमेंडमेंट या फिर कोई चेंजेस अगर करने हैं, चेंजेस इंट्रोड्यूस करने हैं तो कैबिनेट की मीटिंग में इसको डिसाइड किया जाता है और अगर कैबिनेट का ग्रीन सिग्नल इसको मिल जाता है तो फिर बाद में इस अमेंडमेंट्स को या फिर एक नए बिल को पार्लियामेंट में, जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है तब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है और पार्लियामेंट की जो प्रोसीजर है लोकसभा या राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाए और बाद में दोनों हाउसेस में से जब ये बिल पास हो जाता है तब प्रेसिडेंट के पास एक सिग्नेचर होती है और उसके बाद ये देश का कानून बन जाता है। कई बार ये भी होता है कि कैबिनेट जब हमारी जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं होती है तब कैबिनेट ये डिसाइड करता है कि भाई ये जो एक इम्पोर्टेंट चेंज है उसको प्रधान प्रेसिडेंट के जो ऑर्डिनेंस का पावर है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाए और बाद में जब सेशन में पार्लियामेंट आती है तब उसमें इस ऑर्डिनेंस को फिर इस बिल के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाता है और बाद में सेम प्रोसीजर अप्लाइज हेयर। तो इस कंटेक्स्ट में जो इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। नाउ द थिंग इज, सबसे पहला जो डिसीजन कैबिनेट का है आपके सामने और सबसे इंपॉर्टेंट भी है वो ये है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये डिसाइड किया है कि 13 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे 7 अलग अलग राज्यों में। इसके पीछे जो मेन एम है वो यही है कि गुड क्वालिटी एजुकेशन जो है ये इन सारे राज्यों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है, बिहार, झारखंड, तेलंगाना और कर्नाटका, ये 7 राज्यों में 13 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा ये भी कैबिनेट ने तय किया है कि जो मध्य प्रदेश है उसमें एक बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है रतलाम, और रतलाम में जवाहर नवोदया विद्यालय भी खोले जाएंगे क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद साहब ने ये बताया है कि रतलाम जो डिस्ट्रिक्ट है ये यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और इन शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक्स्ट्रा पुश की ज़रूरत है और ये जो ज़रूरत है ये जवाहर नवोदया विद्यालय कंप्लीट कर सकती हैं। इसके अलावा दूसरा जो डिसीजन है वो ये है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसमें एक्स्ट्रा बजट यानी कि एक्स्ट्रा पैसे इंट्रोड्यूस या फिर इन्वेस्ट किए जाएंगे। ये जो पैसे हैं इसकी राशि है 15,000 करोड़ रुपीस और ध्यान रखिए ये राशि, ये जो 15,000 एडिशनल पैसे हैं ये स्वच्छ भारत ग्रामीण के लिए यूज़ किए जाएंगे और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हम हमारे गाँव को ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस दिलवाना चाहते हैं 2 अक्टूबर 2019 से पहले, क्योंकि तब महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और हमारा टारगेट है कि 2 अक्टूबर 2019 दुनिया में, बिग पार्डन इंडिया में, एक भी ऐसा गांव न हो जहां पर खुले में शौच के लिए लोग जाते हों और किसी के पास टॉयलेट की फैसिलिटी हो। और इससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्वच्छता ही डेवलप होगी, इससे लोगों का स्वाभिमान भी बढ़ेगा, इसके अलावा जो बहुत सारे डिजीज़ हैं उनके ऊपर भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो महिलाओं के लिए भी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है, उनकी गरिमा के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके पास टॉयलेट की फैसिलिटी जो है इसका एक्सेस हो। इसके अलावा एक
करोड़ 50 लाख रूरल हाउसहोल्ड्स जो हैं इनको इसका लाभ मिलेगा और सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये डिसीजन प्ले करेगा। तीसरा जो डिसीजन है वो ये है कि IDBI बैंक जो हैं इस IDBI बैंक की 51% कंट्रोलिंग या फिर इसकी इसका जो शेयर है, शेयर का मतलब ये है कि मान लीजिए IDBI की वैल्यू 100 रुपये हैं तो अब 51 रुपीज़ का जो मालिकाना हक है वो हो जाएगा LIC का, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है, तो फिर जब ये LIC IDBI को ख़रीद लेगी 51% स्टेक जो है वो परचेज कर लेगी तो फिर इसकी नई मालिक बन जाएगी LIC और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके इसकी नई मालिक बन जाएगी। एंड द सेकंड थिंग इज़ के ये चीज़ ये जो डिसीजन है ये क्यों लिया जाता है, ऐसी तकनीक क्यों अप्लाई की जाती है, इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट को अलग अलग चीज़ों में यूज़ करने होते हैं, डेवलपमेंट के लिए, स्वच्छ भारत के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए, तो फिर गवर्नमेंट अपनी ही जेब में से ये सारे टेक ओवर कर लेगी तो फिर गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो ऐसी कंपनीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बहुत पैसे कमा रही है, जो प्रॉफिट में चल रही हैं, तो अगर ये कंपनीज़ ऐसी कोई डूबती हुई कंपनी को टेक ओवर कर लें तो फिर इनका जो डेप्थ है उनके ऊपर जो ऋण है वो भी उतर जाएगा और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट के पैसे भी खर्च नहीं होंगे और LIC के पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं इससे काम चल जाएगा। तो ये एक आप कह सकते हैं एक दूसरा रास्ता है। कई बार इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, क्रिटिसिज्म ये होता है कि जो LIC जैसी कंपनी है जो सक्सेसफुली अपनी फील्ड में आगे हैं तो फिर उनके ऊपर ऐसा एडिशनल बर्डन देने से ये होगा कि LIC का जो प्रॉफिट है उसमें भी एक हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लास्ट जो कैबिनेट का इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो ये है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कैबिनेट ने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टैंड लिया था इसके ऊपर जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग दोज थिंग्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह बकायदा बताया भी था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ें की हैं या फिर स्टैंड लिया है वो मैंडेटरी, ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति SC ST कम्युनिटी से हैं और उनके ऊपर कोई भी एट्रोसिटी हुई, कोई अत्याचार हुआ है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार पुलिस ऑफिसर जो हैं वो पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद ही FIR दर्ज करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फोर्सफुली नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि अगर आपको ज़रूरत लगती है तो फिर ये कीजिएगा ताकि जो फेक केसेस रजिस्टर किए जाते हैं वो ना हो। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे पेनड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज के ऊपर अप टू 50% डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक अनोखा तरीका है हमारा, जिससे आपकी भी कुछ मदद हो जाए और ये 16 जून तक चलने वाला है, तो मेक श्योर यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस डिस्काउंट। नेक्स्ट जो आइटम है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंडिया के साथ जुड़ी हुई और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, या फिर आप कह सकते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, इसने डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट है, रेपो रेट क्या होता है इसको मैं बहुत ही ब्रीफली आपको समझा देता हूं। देखिए, मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब है पैसों के साथ, मनी यानी कि मॉनिटरी, तो पैसों के साथ जुड़ी हुई पॉलिसी को कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। तो एक MPC है, एक कमेटी है, इस कमेटी में 6 मेंबर्स हैं, 3 जो मेंबर्स हैं ये RBI से हैं और 3 जो मेंबर्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं। तो टोटल 6 मेंबर्स हैं इसमें, इनके जो हेड हैं वो हैं RBI के गवर्नर। डिसीजन जो हैं वो वोटिंग के ऊपर लिए जाते हैं। अगर से फॉर एग्जांपल टाई अप हुआ, मेजॉरिटी डिसीजन विंस, अगर 4 लोग कहते हैं कि रेट को बढ़ा दीजिए और 2 कहते हैं कि रेट को ऐसा ही रखिए या कम कीजिए, तो फिर 4 लोगों ने जो बताया है वो आगे रहेगा। 3-3 अगर हुआ, राइट, अगर 3 लोग कहते हैं यस और 3 लोग कहते हैं नो, तो फिर RBI के जो गवर्नर हैं, जो इनके हेड हैं, जो इस 3 मेंबर्स में से एक ही हैं, तो फिर अगर RBI गवर्नर कहते हैं कि यस के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर यस के साथ आगे बढ़ा जाएगा, या फिर नो कहे तो फिर नो के साथ। तो ये इस तरीके से MPC काम करती हैं। अब रेपो रेट जो है वो क्या होता है, रेपो रेट का मतलब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। RBI अगर SBI जो बैंक हैं उनको RBI से कुछ पैसे चाहिए तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इनको देगी
और ये कोलेट्रॉल के तौर पर या फिर सिक्योरिटी के तौर पर गवर्नमेंट SBI जो है GSEC जिसे कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देगी और फिर RBI उनको लोन देगी। तो ये जो लोन RBI SBI को देती हैं, ये जो रेट होता है इंटरेस्ट का, तो इसे कहते हैं रेपो रेट। इसका उपयोग पैसों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगर मार्केट में पैसे कम हैं, राइट, इनका फ्लो कम है, तो फिर रेपो रेट को थोड़ा कम किया जाएगा ताकि जो बैंक्स हैं वो लोन RBI से लें, तो इससे फ्लो बढ़ जाएगा और फिर सप्लाई जो है उसको फुलफिल किया जा सकेगा। एक बैलेंस रखा जा सकता है बाय सप्लाइंग मनी। अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो फिर RBI जो है वो रेपो रेट को थोड़ा ऊपर कर देगी ताकि पैसे जो हैं वो धीरे धीरे वापस बैंक में आने लगे। तो इस प्रकार से काम करती है। आई होप आपको इसके बारे में पता ही होगा। मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है क्योंकि नए नए स्टूडेंट्स इसके साथ जुड़ते रहते हैं, तो आई हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स अगेन। और ये जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक रिविजन भी है। तो डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला जो है इसके ऊपर काम करता है। तो अब डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट है उनको 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% से बढ़ाया जाए और ये सेकंड टाइम हुआ है। तो फिलहाल जो रेपो रेट है यह है 6.5%। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, जो GDP की फोरकास्ट है उसमें कोई चेंज नहीं है, ये 7.4 ही हैं। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, देखिए इन्फ्लेशन में ये होता है अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं आपके पास। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ कि दिल्ली से मुंबई आपको ट्रैवल करना है और अगर मैं आपका बजट जो है वो 500 रुपीज़ सेट कर दूँ, तो फिर नेचुरली आप ट्रेन ही सिलेक्ट करेंगे और इसमें भी जो जनरल डिब्बे होते हैं उसी की टिकट लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि 500 रुपीज़ में आपको यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है। अगर इसी चीज़ को मैं आपको बता दूँ कि आपके पास 50,000 रुपीज़ आपको दिए जाएंगे, तो ऑफकोर्स आप प्लेन की अच्छी जो सीट है वो बुक करेंगे, कॉफ़ी भी पियेंगे, यू नो थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोनों सिचुएशन में हुआ ये, यहाँ पर पैसे कम थे तो पैसों की जो वैल्यू थी वो ज़्यादा हो गई, यहाँ पर पैसे ज़्यादा है, फ्लो ज़्यादा है, तो पैसों की वैल्यू थोड़ी कम हो गई, इज़न्ट इट। तो इसी प्रकार से चीज़ें काम करती है। अगर पैसे ज़्यादा हो गए हैं मार्केट में और चीज़ें जो हैं वो कम हैं, पैसों की सप्लाई ज़्यादा हैं और जो चीज़ें जो अवेलेबल हैं खाने पीने की दूसरी चीज़ें तो वो स्टैटिक हैं, तो फिर ज़्यादा पैसे कम चीज़ों के पीछे भागेंगे तो इससे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर रेट्स को बढ़ाया जाता है। आई होप ये भी चीज़ क्लियर होगी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवॉर्ड दिए। एक स्पेशल सेशन रखा गया, स्पेशल फंक्शन रखा गया पार्लियामेंट हॉल में और अवॉर्ड्स मिले हैं नजमा हेपतुल्ला जी को, हुकुम देव नारायण यादव जी को, गुलाम नबी आज़ाद जी को, दिनेश त्रिवेदी और भारतृ हरि महताब साहब को भी अवॉर्ड मिला है। और प्रधानमंत्री साहब ने भी इस मौके के ऊपर ये बताया है कि जो MPs हैं उनको हर बार ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जो गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी आवाज़ को देश के सामने रख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने एक फर्म है जिसका नाम है आम्रपाली ग्रुप, ये एक रियल एस्टेट यानी कि कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई एक कंपनी है जो घर मकान बनाती हैं, और पिछले 2008 से इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं, फ्रॉड का काम किया है और कोर्ट्स के साथ भी एक खेल खेलता रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इससे काफ़ी नाराज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी को ऑर्डर दिया है कि सारी की सारी जो अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स 2008 से लेकर टिल डेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कोर्ट के सामने रखें, और इसके साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के चेयरमैन और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इंडिया के जो चेयरमैन हैं और ये जो मिनिस्ट्री हैं उनके सेक्रेटरीज को भी समन किया है कि ये जो प्रोसीडिंग है उसमें आप उपस्थित रहें। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। इस देश ने डिसीजन ये है कि जो इलीगल फॉरेनर्स वहाँ पर रहते हैं, खास करके जो मजदूर होते हैं जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया है और फिर भी वो वहाँ पर हैं, जिसे ओवर स्टे कहा जाता है, तो लीगली ये होता है कि उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है, क्रिमिनल केसेस चल सकते हैं। लेकिन एक 3 महीने की एमनेस्टी स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस की है जिससे जो हमारे इंडियंस हैं जो वहाँ पर रहते हैं, खास करके मजदूरी के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो फिर उनको थोड़ी राहत मिलेगी इससे, और उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया है, 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम, जिससे कि वो जॉब भी ढूंढ सकें। आपको याद दिला दूं कि वहाँ पर UAE में हमारे कुछ 2.8 यानी कि लगभग 3 करोड़
भारतीय जो हैं वो यूएई में रहते हैं और बाहर से आई हुई जो कम्युनिटी है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई देश के लोग हैं तो वो हैं भारत से। ये रहा आपके सामने यूएई का मैप, आप देख सकते हैं यहाँ के इम्पोर्टेंट सिटीज़। आपने अबू धाबी का नाम डेफिनेटली सुना होगा, दुबई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है और ये हैं शारजहाँ, अजमान हैं, ऐसे कुछ कुल 7 बड़े स्टेट्स हैं इसके, तो इससे ये टुगेदर ये बनते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट। और दूसरी जो चीज़ के बारे में हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ओमान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है ये यूएई, सऊदी अरेबिया हैं, दोहा इससे दूर नहीं है, पानी के उस तरफ देखें तो ईरान भी बहुत दूर नहीं है, ये हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ये रहा बहरीन और ये है पर्शियन गल्फ का पानी, यहाँ से जो ऑयल और सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है तो फिर इसी पानी के माध्यम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से पास होकर गल्फ ऑफ ओमान तक होकर फिर अरेबियन सी और फिर भारत या फिर इंडियन ओशियन में एंटर होती है ये सारी शिप्स और दुनिया के अलग अलग जगहों पर फिर ये चली जाती हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन एमईए में से हमें देखने को मिलता है और ये डिसीजन यूएसए ने लिया है, यूएसए ने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान की 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें है लश्कर तैयबा और LET जिसे कहते हैं हम और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को एक हैं यहाँ पर फला ए इंसानियत फाउंडेशन, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को USA ने स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट फाइनेंसर के ग्रुप में रखा है, टेररिस्ट या फिर टेरर फाइनेंसर के ग्रुप में इसको लिया है और इंडिया ने इसको वेलकम किया है। इंडिया ने कहा है कि हमारा स्टैंड कंसिस्टेंट है, पाकिस्तान में आज भी बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फूलते फलते हैं। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, IRNSS-1I ये जो हैं IRNSS-1I तो इसको लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 2018 को, PSLV-C41 की फ़्लाइट ने इसको लॉन्च किया था और इसको हमें लॉन्च इसलिए किया क्योंकि IRNSS-1A जो हैं ये इसकी जो रुबीडियम क्लॉक है ये बिगड़ गई थी, तो फिर इससे हमें नेविगेशन की फैसिलिटी के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हम, हमें कुछ इसका रिप्लेसमेंट भेजना होता है तो फिर हमने भेज दिया है। और ये एक छोटी सी अपडेट दी थी हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने ये लोकसभा में इंफॉर्मेशन दी थी। GI यानी कि जियोग्राफिकल टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग्स जिसे हम कहते हैं, तो GI टैग्स अब जो हैंडीक्राफ्ट की आइटम्स हैं ये सारी आइटम्स के ऊपर GI टैग लगाया जाएगा और इसको फिर लोगो और टैगलाइन भी मिली हैं इस GI को, और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हस्तकला के प्रोडक्ट्स तो इनको एयरपोर्ट्स के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा, वहाँ पर बेचा जाएगा, तो इनसे इस GI लोगों से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हस्तकला के हस्तकला के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उनको एक नया प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। इंटरनेशनल टूरिस्ट्स यहाँ पर आते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर तो इनसे फिर बहुत ज़्यादा आईबॉल्स जो कहते हैं बहुत सारे लोगों की नज़र इसके ऊपर पड़ेगी और इससे इंडिया का जो स्पिरिट है वो भी कहीं ना कहीं हम शेयर कर पाएंगे, जो हमारे लोग हैं जो हस्तकला के साथ जुड़े हुए लोग हैं तो उनकी जो मेहनत है उनकी जो कला है उनको भी एक नई मार्केट मिलेगी, तो ये एक विन विन सिचुएशन है। इसी के साथ साथ खुशहाली भी आएगी, नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी बिक्री की और रूरल इकोनॉमी का भी एक उसको भी एक बूस्ट मिलेगा, और हम चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल का जो डेवलपमेंट है ये प्रमोट हो और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे जो गांव के लोग हैं जो रफली स्पीकिंग 65-70% की पॉपुलेशन गांव में रहती हैं, तो जब तक वो अपलिफ्ट नहीं होगे तब तक हमारा देश भी अपलिफ्ट नहीं हो सकता। ये जो हमारा GI टैग है उसका एक टैगलाइन है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, और नाबार्ड के साथ मिलकर एक पोर्टल भी बनाने का काम चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि हमने मिशन सोलार चरखा को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। ये जो सोलार चरखा है तो इससे बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का मौका मिलेगा, लगभग 1,00,000 लोगों को नए अवसर के ये जो नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, नया काम मिलेगा,
और ये जो मिशन सोलार चरखा है इसको लॉन्च किया था हमने यूनाइटेड नेशन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे जो 27 जून हर साल मनाया जाता है, और इससे फिर इसको ये जो सोलार चरखा यूनिट्स है ये विलेज इंडस्ट्रीज़ में इसका कैटेगराइजेशन किया गया है। और डियर फ्रेंड्स, इसके पीछे जो गवर्नमेंट है, बजट जो है वो है 550 करोड़ रुपीज़ का। इसी के साथ आज के डिस्कशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर कल से आप फिर आपके साथ मुलाकात होगी और जो बाकी का बैकलॉग है वो भी आपको एज सून एज पॉसिबल डिलीवर किया जाएगा। एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।